नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना क्या अच्छी चीजें लेकर आएगा और क्या बुरी चीजें लेकर आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिफल शुरू करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये राशिफल जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। तो अगर आप आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो मीन राशि में विराजमान है या आपकी नाम राशि जो है वो मीन है, तो यहाँ पर ये राशिफल हम आपको समर्पित करते हैं। ये राशिफल गोचर प्रेडिक्शन पर आधारित है, तो यहाँ पर कुछ गोचरीय स्थितियाँ आपको जाननी आवश्यक है। 6 मार्च को बुधदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, 18 मार्च को बुध कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे, 24 मार्च को बुधदेव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 31 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, पहले से गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर विराजमान, तो गुरु शुक्र की युति यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। ये कुछ गोचरीय स्थितियाँ मार्च महीने में रहने वाली है। यहाँ पर यह गोचर आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आएगा मीन राशि वाला और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाला है। वैसे देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए जो महीना है सामान्य रहेगा, हालांकि नौकरी और कारोबार में आपको थोड़ी सी अपेक्षित सफलताएँ अच्छे से प्राप्त हो सकती है। आपको नौकरी और आपके व्यापार में बहुत अच्छे परिणाम इस टाइम पर प्राप्त होंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपकी राशि में सूर्य ग्रह के जाने से कारोबार में भी आपके विकास आपको देखने को मिलेगा, कारोबार में डेवलपमेंट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, एकदम से आप हाईलाइट हो जाएंगे इस टाइम पर। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये महीना जो है मेहनत करने का समय होगा, क्योंकि पंचम भाव पर शनि शुक्र और मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इस दौरान आपको पारिवारिक जीवन में भी अशांति झेलनी पड़ सकती है, पारिवारिक जीवन में भी आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस टाइम पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दूसरे भाग के स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में होने की वजह शनि ग्रह के साथ रहेंगे और इस वजह से घर में आपके परिवार में लोगों के बीच दरकरार बहुत ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे के मनमुटाव में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलेगी, मन बहुत ज़्यादा अस्थिर रहेगा और मतभेद और मनमुटाव दोनों ही आप के परिवार में बहुत ज़्यादा रहने वाला होगा, एक दूसरे से लड़े झगड़े ज़्यादा इस टाइम पर रहने वाले होंगे। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में भी आपकी उतार चढ़ाव से ही गुजरने वाली है, लव लाइफ में भी आपको उतार चढ़ाव इस टाइम पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिफ्थ हाउस पर देखा जाए तो फिफ्थ हाउस पर मंगल शुक्र और शनि की पूर्ण दृष्टि होने से आपके रिश्ते के भरोसे में कमी इस टाइम पर देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिस वजह से आप पार्टनर के लिए जेन्यून नहीं रहेंगे, इस वजह से आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो समय उत्तम रहेगा, आर्थिक दृष्टि से इनकम सोर्स की दृष्टि से या आपके सेविंग्स की दृष्टि से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एकादश भाव में स्वराशि शनि के साथ शुक्र और उच्च का मंगल आपकी उपस्थिति होने से आपके आमदनी में वृद्धि देने का काम करेगा, इनकम सोर्स प्रॉफिट लाभ आपके अच्छे रहेंगे, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है और मीन राशि वालों को कुछ को संतान की प्राप्ति भी इस टाइम पर ये गोचरीय स्थितियाँ दे सकती है। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, रुके हुए या फंसे हुए धन की प्राप्ति भी आपको इस टाइम पर होगी, जो बहुत टाइम से पैसा आपके पास नहीं आया था वो भी आपके पास आ सकता है। हेल्थ इश्यू के नज़रिए से देखा जाए तो स्वास्थ्य के नज़रिए से समय अच्छा रहेगा, कोई भी बड़ा हेल्थ इश्यू मीन राशि वालों आपको नहीं मिलने वाला है। कुंडली की स्थिति अलग है, लेकिन गोचर में आपकी देखा जाए तो गोचरीय स्थिति आपको हेल्थ इश्यू से बहुत ज़्यादा बिवेयर रखने वाली है, आपको कोई बड़ी परेशानी हमें दिखती नहीं दिख रही है। अगर देखा जाए तो 12th हाउस में बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध की युति में आपको ताकत का एहसास होगा, सूर्य बुध की जो युति बनेगी बृहस्पति के साथ है वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल रखेगी, आपके हेल्थ इश्यू नहीं होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि एनर्जी इस टाइम पर प्राप्त हो सकती है। छोटी मोटी कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, वो कोई इतना मैटर नहीं करेगी, लेकिन कोई बड़ा हेल्थ इश्यू हमें मीन राशि वाले जातक को आपके लिए नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना है मीन राशि वाला आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर कोई बड़ी परेशानी आपको प्राप्त होती तो कुछ छोटे छोटे उपाय आप करिएगा, आपको जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। सबसे पहला और अच्छा बढ़िया उपाय यह है कि हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और
भगवान विष्णु को या केले का भोग लगाए और गुरुवार के दिन केलों का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक अपने माथे पर आप लगा सकते हैं या फिर केसर का तिलक। अगर कुंडली अलाउड करती है तो अपनी तर्जनी उंगली में आप पुखराज धारण करें, आपके जीवन में तरक्की रहेगी, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं मीन राशि वालों, आप इसे अपने जीवन में उतारिएगा, आपको जीवन में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त होगी और आपके जीवन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।